गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू आर वेल एट योर होम। लेट अस सी इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट हैपन व्हेन गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड व्हेन ही रीच द कोर्ट। लेट अस स्टार्ट बेटा। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी, वो आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको एकदम महर से बाहर निकालो। दिस वॉज सेड बाय किंग, क्योंकि जब राजा ने वहाँ शोर सुना तो राजा को ये नहीं पता चला कि कौन है। बस राजा ने शोर सुना और राजा ने तुरंत आदेश दे दिया। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी, एट लास्ट द किंग सेड दैट कि उस आदमी को अंदर ले आओ मेरे पास तुरंत। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, मैजेस्टी मीन्स महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल, यह गोपाल है, मीन्स द कोर्टियर सेड दैट इट इज गोपाल। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, अब देखो लोग क्या आपस में बात कर रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया, इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, अब दूसरे ने क्या कहा, मुझे लगता है यह एक उसके एक मजाकिया जोक में से है, यह उसके एक मजाकिया जोक में से है। इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट डिड द किंग सेड, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, Why are you dressed up in this ridiculous fashion? सब ठीक है गोपाल, लेकिन तुम इस ridiculous, मतलब हंसी मजाकिया वाली, इतने भद्दे, एक तरीके से बेटा जो ridiculous word है वो मजाकिया सेंस में तो यूज होता है, लेकिन कमेंट करने के सेंस में यूज होता है, एक नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है, तो हम इसको कह सकते हैं भद्दापन। अब राजा ने कहा कि सब ठीक है गोपाल, लेकिन तुम इस भद्दे फैशन में क्यों हो, ऐसे ड्रेसअप क्यों किया है तुमने, है ना, इसका मतलब बेटा यहाँ ये है। योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, सीम्स मतलब दिखाई देना, ऐसा लगता है कि तुम कुछ, आप कुछ भूल गए, फॉरगेटन मतलब भूल गए हैं, कुछ भूल गए हैं, फॉरगेटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। अब राजा ये बात सोच रहा था। स्ट्रेंजली एनफ, नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, यह बड़ी अजीब सी बात है कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर महल तक, एंड इन द कोर्ट, कोर्ट में भी, नॉट ए सोल, नॉट ए सोल मतलब नॉट इवन ए पर्सन हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में कुछ नहीं बोला। Only they then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. तब राजा को अपना चैलेंज याद आया जो उसने गोपाल को दिया था। हा हा, वेल गोपाल, congratulations, you have achieved, अचीव्ड क्या होता है, प्राप्त कर लेना, you have achieved the impossible once again, एक बार फिर तुमने असंभव चीज प्राप्त कर ली है। It means बेटा, at last, whenever गोपाल dressed in a ridiculous way, in a strange way, then he reached the court and the king asked about it, then he said that he had dressed in that clothes because he wanted to be look a strange person, ki wo apne aap ko ek strange person dikhana chahta tha, tabhi to log agar usko chhod ke, मतलब हिल्सा फिश के बारे में छोड़ के सारा दिन उसके बातें बारे में बात करेंगे, और यही तो राजा का चैलेंज था कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें, ऐसा कुछ हो, और फिर इस चैलेंज को गोपाल में एट लास्ट कंप्लीट किया। दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा, यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट आर इन द चैप्टर। थैंक यू।